आपने देखा होगा अभी हाल ही में भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी वंदन अधिनियम को पारित करके एक बार फिर उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि हम सब भी अपने स्तर पर प्रयास करें। पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आज प्रदेश भर में लाइव हो रहा है और प्रदेश भर में हर एक जगह अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले अलग अलग फील्ड में जिन्होंने कुछ विशिष्ट योगदान दिया है, जैसे यहां पर अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई रूप से समाज की उस प्रतीक के रूप में हम आगे उन्हें आगे बढ़ाएं जो समाज में एक नई प्रेरणा बन सकती है, आधी आबादी को सम्मान के साथ एक सुरक्षित माहौल में स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। यह समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, शासन की भी जिम्मेदारी बनती है और शासन उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे और केवल नवरात्रि तक ही नहीं होंगे, ये निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए, हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, रूटीन के कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए। इस दिशा में हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।